Hey everyone, I am Pragati Singh and today I am going to make super easy Christmas tree card because winter has arrived and Christmas is coming soon. So for this I am using mechanical pencil or koi bhi pencil jo aap chahe use kar sakte hain and making partition on paper for ground and sky. ट्री ड्रॉ करने के लिए मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके ट्राइंगल बनाऊंगी एंड फिर दोनों स्लैंट साइड को परपेंडिकुलर लाइन से अटैच कर दूंगी. ये बेसिकली पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर बनेगा. ट्री टॉप ट्राइंगल एंड पॉइंटेड होगा एंड एज वी गो डाउनवर्ड ट्री वाइडर होता जाएगा. ट्री इज़ फुली कवर्ड विथ स्नो, दैट्स वाई इसके स्नो वाले पार्ट को मैं आउटलाइन बना दे रही हूँ और मैं इसे कर्व शेप दे रही हूँ, बट पूरे कर्व शेप को मैं जिगजैग लाइन से ड्रॉ कर रही हूँ. अब मैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर को इरेज कर ले रही हूँ क्ले रबर से और मैं दूसरा ट्री यहाँ पे वापस से बनाऊँगी जो कि थोड़ा फ्रंट में है और ये हाफ ही हमें शो होगा और इसे भी मैं बिल्कुल पहले वाले ट्री के जैसा ही बनाने वाली हूँ. स्काई में मैं यहाँ पे वाटर अप्लाई करने के बाद कोबाल्ट ह्यू के साथ ब्लैक को मिक्स करके पूरे स्काई में कलर अप्लाई कर रही हूँ और ये फर्स्ट टाइम में ये कलर थोड़ा सा लाइट अपीयर हो रहा है. मैं इसे 2 से 3 बार इसके ऊपर कलर चढ़ाऊँगी. अभी मैंने बस बेसिक लेयर डाला है. फाइनल लेयर के लिए मैं इसे 2-3 बार कलर डालूंगी तब जाके ये परफेक्ट कलर आएगा क्योंकि मुझे थोड़ा डार्क स्काई चाहिए. मैं इसे थोड़ा नाइट का सीन बना रही हूँ, दैट्स वाई मुझे स्काई डार्क चाहिए एंड जो मेरा स्नो रहेगा ट्री के ऊपर का वो थोड़ा शाइनी होगा, इसलिए मुझे इसके ऊपर 2-3 बार कलर अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एक बार में मुझे जैसा कलर चाहिए वो कलर एक बार में नहीं आ पा रहा है. वाटर अप्लाई करने के बाद मैं इस पर एक ट्रेलिंग ग्लू बहुत लाइट शेड में अप्लाई करूँगी. मैं इसे सिर्फ बेसिक लेयर देके छोड़ दूँगी क्योंकि मुझे स्नो जो ग्राउंड के ऊपर है वो थोड़ा शाइनी और लाइट शेड में चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मैं स्काई बहुत डार्क बनाने वाली हूँ. स्काई में मैं एक और लेयर डालूँगी और ये ट्रीज़ के लिए मैं फेबर कैसल का 5 नंबर ब्रश यूज़ कर रही हूँ और क्योंकि इसका टिप बहुत पॉइंटेड है और मुझे ट्री के जो आउटलाइन में मैंने हिल्स एंड वैलीज बनाए हैं वो उसको बनाने के लिए मुझे पॉइंटेड टिप की ज़रूरत थी
और मैं पूरे स्नो एरिया को ही सिर्फ मैं इस कलर से करने वाली हूँ, कोबाल्ट ब्लू ह्यू एंड वाइट से मिक्स करके। बाकी जो भी अंदर का पार्ट है वो मुझे डार्क शेड में बनाना है, इसके लिए मैं उसे अभी छोड़ दे रही हूँ। अभी सिर्फ मैं स्नो वाला एरिया कवर कर रही हूँ और बाद में मैं उसे डार्क शेड दे दूँगी दूसरे डार्क कलर का से। टॉप के स्नो को लाइट और डार्क शेड से मैं अब डिवाइड करूँगी। इसके लिए मैं क्रूलियन ब्लू से उसे आउटलाइन दे रही हूँ और फिर क्लीन एंड ड्राई ब्रश से उसे फेड आउट कर दे रही हूँ मिड एरिया में। और इस तरीके से वो स्नो पार्ट थोड़ा सा इफ़ेक्टिव और शाइनी लुक देगा। डार्कर पार्ट जो कि अंदर तरफ है मैं उसे बनाने जा रही हूँ, और उसे बनाने के लिए मैं अल्ट्रामाइन ब्लू में ब्लैक मिक्स कर रही हूँ और उसे मैं पूरे जिगजैग लाइन से मैंने ट्री का जो फाइनल शेप है उसे अब देना है। इसलिए मैं ये ब्रश का पॉइंटेड टिप यूज़ कर रही हूँ बनाने के लिए। आप चाहे तो सिर्फ थिन ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं बनाने के लिए, क्योंकि अभी जो मैं यहाँ पे शेप दूंगी वो फाइनल शेप रहेगा मेरा ट्री का, दैट्स वाई मैं इसका पॉइंटेड टिप यूज कर रही हूँ यहाँ पे। ट्री के बॉटम पार्ट में मुझे शैडो शो करना है ट्री का, इसलिए मैं सबसे पहले क्लीन और वेट ब्रश से मैं बॉटम एरिया को थोड़ा वेट कर दूंगी और उसके बाद मैं कलर अप्लाई करूंगी ताकि वो थोड़ा फेड आउट हो जाए बॉटम साइड में। और उसे मैं थोड़ा सा मिक्स कर दूंगी स्नो पार्ट जो है हमारा उसके चारों तरफ। जिस कलर से मैंने ट्री का डार्क पार्ट बनाया है सेम वही कलर मैं अप्लाई करूँगी स्काई में, ताकि जो फाइनल लुक आएगा वो मेरा इस तरीके का आएगा कि जो स्काई है और ट्री का डार्क पार्ट है दोनों एक सा हो गया, सिर्फ हमें स्नो पार्ट पॉपअप करेगा और बाकी सारा पार्ट स्काई में मिक्स सा शो करेगा। स्काई एरिया
बढ़िया के ड्राई हो जाने के बाद वाइटिंग पेन से मैं स्नो जो ट्रीज़ के ऊपर है उसे मैं थोड़ा साइनी इफ़ेक्ट देने के लिए साइड साइड वाइटिंग पेन से कलर करूँगी, और जहाँ भी मुझे स्नो एरिया में साइन चाहिए होगा वहाँ पे मैं इसे यूज़ करूँगी। मिड एरिया में और साइड के टिप को इन्हांस करने के लिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास वाइट गुआश कलर है तो आप डायरेक्टली वो यूज़ कर सकते हैं, वो भी सेम इफ़ेक्ट देगा क्योंकि गुआश कलर भी ओपेक होता है और ये जो वाइटिंग पेन है ये भी ओपेक है, दैट्स वाई मैं इसे यूज़ कर रही हूँ गुआश नहीं यूज़ करके, क्योंकि ये बहुत ही इजी टू यूज़ है और मुझे जहाँ मन मैं वहाँ वहाँ पे इसे थोड़ा साइनी दे रही हूँ, साइनी इफ़ेक्ट स्पेशली साइड में एंड टॉप में देना है। अब मैं बैक वाले ट्री का डेकोरेशन कर रही हूँ। इसके लिए मैं क्रिसमस ट्री है तो उसके ऊपर स्टार्स रहेंगे, इसलिए मैं टॉप पे स्टार डाल रही हूँ और मैं बहुत सारा उसमें लाइटिंग्स लगाने वाली हूँ। मैं सिर्फ एक ही ट्री को डेकोरेट कर रही हूँ जो कि पीछे वाला ट्री है, और मैं पहले उसे बॉल्स बना लूँगी बहुत सारा वाइटिंग पेन से, और फिर मैं उसके ऊपर रैंडमली ब्लू कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, येलो कलर, जो कलर मुझे मैं उसके ऊपर अप्लाई करूँगी। मैं अब वाइटिंग पेन से पूरे स्काई में स्नो बना रही हूँ, छोटे छोटे डॉट्स, और किसी डॉट्स को मैं बाद में फिर बड़ा कर दूँगी ताकि वो रैंडम सा स्नो लगे जो कि स्काई से गिर रहा है नीचे तरफ। और मैं कुछ स्नो ट्रीज़ के बीच में भी बनाने वाली हूँ और ग्राउंड्स पे भी बनाऊँगी, बट वो तो शो नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी मेरा ग्राउंड बहुत लाइट कलर में है, दैट्स वाई मैं सिर्फ डार्कर पार्ट में स्नो थोड़ा और ज़्यादा बनाऊंगी। छोटे छोटे डॉट्स से मैं छोटा डॉट्स मैं ज़्यादा भरने वाली हूँ और बड़े डॉट्स मैं कुछ रखने वाली हूँ, और वो बड़े डॉट्स मैं एग्जैक्टली राउंड या सर्कल शेप में नहीं रखी हूँ, वो थोड़ा सा मेरा विदाउट एनी शेप रहेगा। ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा डेकोरेशन और करना चाहिए, इसके लिए मैं छोटे छोटे बॉल्स और बना रही हूँ और मैं इसे फिर रैंडम कलर से वापस से करने वाली हूँ, क्योंकि क्रिसमस ट्री जितना डेकोरेटेड रहेगा वो उतना ज़्यादा अच्छा दिखेगा, इसलिए मैं इसे भी लाइन से कम्प्लीटली लाइन से बॉल बना दे रही हूँ मैं इसमें, और अब मैं इसे कलर कर दे रही हूँ। So this is my final look of Christmas card. So bye bye. Thank you.